अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट यूनिट यूजिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। यह यूनिट दो ऑथर्स ने लिखा है, जो कि साइंटिस्ट भी थे और राइटर भी थे, इन जिनके नाम हमारे पास बेटा एक का डैनियल बॉर्न है और एक लॉन एडवर्ड्स है। अब इन्होंने इस चैप्टर में हमें यह बताया है कि किस तरह से साइंस की डिवेलपमेंट ने हम बनाया है, वो ऐसी कौन सी चीजें थी जो पास्ट में आपको परेशान रखती थी, लेकिन अब प्रेजेंट में विद द हेल्प ऑफ साइंस आपने उन चीजों को ओवरकम कर लिया है। तो आए हम अपने आज के इस लेक्चर का आगाज करते हैं और हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स सच एज दोज डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, the construction of our homes and improvement in communication and transportation। हम सब ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है साइंस की मदद से अपने मसाइल हल करने में, जिनमें क्या कुछ है, सेहत के मामलात हैं, खुराक की पैदावार और उसे महफूज रखने के तरीके हैं, हमारे घरों को बनाने के तरीके, और हमारी जो कम्युनिकेशन है उसे हमने बेहतर बनाया है, और हमारे जो जराए आमदोरफ्त हैं, हमारी जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, हमने उसे बेटर बनाया है। Not only have our ways of living changed, but people themselves have also been changed. ना सिर्फ हमारे रहने के तरीके तब्दील हुए हैं, बल्कि लोग भी तब्दील हुए हैं। Today we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. अब हम उन मामलात को आसानी से हल कर लेते हैं जो पहले हमें पुरइसरार लगते थे। Although there is still need for improvement, हालांकि अभी भी बेहतरी की जरूरत है। We are now generally less fearful than our fathers and for grandfathers. लेकिन हम अब अपने अबाव अजदाद से बहुत कम खौफजदा हैं। यानी कि हमारे अबाव अजदाद पहले चीन चीजों से खौफजदा थे, अब हमें उनसे खौफजदा रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। We are all more critical in our thinking than our ancestors. हम अपने बुजुर्गों से अब ज्यादा गहरी सोच रखते हैं, ज्यादा अच्छी तरह से सोच सकते हैं। This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people. अब ये सबक हमारी मदद करेगा कि हम समझ सकें किस तरह साइंस की मदद से हमने अपनी जिंदगी बेहतर बनाई है और लोग तब्दील हुए हैं। It should also help you understand how you can make better use of the scientific method in your everyday living. और हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बेहतरी आई है साइंस के इस्तेमाल की वजह से। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, इंसान के लिए सबसे अहम उसकी सेहत है। जिसकी सेहत जितनी अच्छी है वो जिंदगी उतनी अच्छी तरह से गुजार सकता है। तो साइंस ने हमारी मदद की है कि हम बीमारियों पे अच्छी तरह से काबू पा सकें, और उसने किस तरह मदद की है, आए। If you had been born 200 years ago, अगर आप 200 साल पहले पैदा होते, you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old. तो 8 बच्चों में से आपको एक मौका मिलता कि आप 1 साल के हो सकते। In other words, in those days, about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. दूसरे अल्फाज में 8 में से 7 बच्चे 1 साल के होने से पहले ही खत्म हो जाते थे, मर जाते थे। Suppose you had been an unusually strong little fellow. चले फर्ज कर लेते हैं आप बहुत ही गैर मामूली किस्म के छोटे बच्चे हैं। And lived through the first year, आपने पहला साल गुजार लिया। Very likely before you were 6 year old, you would have had smallpox. And by the time you reached the age of 12, you would undoubtedly have had measles, whooping cough, scarlet fever and diphtheria. अगर आप 6 साल तक हो जाते थे तो आपको चीचक का सामना करना पड़ता, और 12 साल तक होने में आपको ये तमाम बीमारियां जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं, कौन कौन सी, मैसल्स, वूफिंग कब, स्कॉलेट फीवर एंड डिफ्टेरिया, इन सब का आपको सामना करना पड़ता। इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर, आपके फिर भी जिंदगी के लिए जो जंग है वो खत्म ना होती। येरो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरिया, टाइफॉइड फीवर and even influenza once started spread through a community. ये छोटी छोटी बीमारी है, ठीक है, जो अब हम एक दिन में एक डोज लेके मेडिसिन की खत्म कर देते हैं। अगर ये एक दफा शुरू होती थी तो फिर पूरी कम्युनिटी में, पूरे माशरे में फैल जाती थी ये बीमारियां। लेकिन अब क्या है बेटा, life was most uncertain. A person who lived to be more than 30 years of age was indeed fortunate. जिंदगी उन दिनों बहुत गैर यकीनी थी, और अगर कोई शख्स 30 साल जिंदा रह जाता था, 30 साल जी सकता था, तो उसे खुशकिस्मत समझा जाता था। इट इज अनबिलीवेबल दैट सच कंडीशन कुड हैव एग्जिस्टेड
सो शॉर्ट अ टाइम एगो। और ये बात पे यकीन करना मुश्किल है कि इस किस्म की जो सूरत हाल थी अभी कुछ अरसा पहले ही पाई जाती थी। टूडे बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स, अब बच्चे जो अस्पताल में पैदा होते हैं, वेयर देयर इज लिटिल लाइकलीहुड ऑफ देयर गेटिंग डिजीज, जहां पे बहुत कम चांस रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी हो सके। Young people are treated to protect them against smallpox, diphtheria and typhoid fever. नौजवान लोगों को इन किस्म की बीमारियों से लड़ने के लिए उनका इलाज किया जाता है। Today a person can expect to live to be almost 70 years old. और अब जो है एक इंसान तो कर सकता है कि वो 70 साल तक जी सकता है। In other words, more than 30 years have been added to the expected length of man's life. दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि एक इंसान की जिंदगी में 30 साल की जिंदगी का इजाफा हुआ है। These changes have been made possible by use of the scientific method to solve such problem as the cause of disease and its prevention. और ये इसलिए पॉसिबल हुआ है कि हमने बीमारियों पे काबू पा लिया है, या अब हम उनसे अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं। Better sanitary conditions, आबे निकासी के बेहतर जो है सहूलियात। It is difficult to imagine what sanitary conditions in some of our large cities were like only 100 years ago. 100 साल पहले हमारी कुछ शहरों में आबे निकासी की क्या सूरत हाल थी ये तसव्वुर करना ही मुश्किल है। Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and odor refuse were thrown. जो गलियां थी ये कच्ची होती थी, ये इनमें पानी बहता रहता था, ठीक है, और क्या होता था, लोग जो है अपना कूड़ा क्रिकेट गलियों में फेंक देते थे। एनिमल्स वंडर टू स्ट्रीट, जो जानवर थे ये गलियों में आवारा घूमते थे। फीडिंग अपॉन द गार्बेज, और ये कूड़ा करकेट खाते थे। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, लोग रफा हाजत वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए बाहर जाते थे। Many of them situated where human waste drained into wells from which people obtained drinking water. उनमें से कई लोगों का फुजला उस जगह चला जाता था जहां से लोग पीने का पानी लेते थे। Today our city streets are paved, लेकिन आजकल हमारी जो गलियां हैं ये पक्की है, and well drained और साफ सुथरी हैं, and they are cleaned regularly, और इन्हें रोजाना साफ किया जाता है। It is against the law to throw garbage in the street, गलियों में कूड़ा क्रिकेट फेंकना कानून के खिलाफ है। Sewage from all section of city is carried through sealed pipe, जो गंदा पानी है, फुजला वगैरह, आबे निकासी है, इसे बंद पाइपों में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। टू डिस्पोजल प्लांट्स, जहां पे इन्हें खत्म किया जाता है, तल्फ किया जाता है। थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट अनसैनिटरी कंडीशन कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलरा एंड डाइसेंट्री। अब क्या है कि साइंटिफिक मेथड से हमें पता चला है कि अगर हम गंदा पानी पिएंगे, आलूदा पानी पिएंगे, तो हम इन सब किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जिसमें टाइफाइड फीवर है, कॉलरा है और डाइसेंट्री है। टूडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट हैव डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटरी विच कीप द सिटीज क्लीन एंड डेयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीज। अब हर जो शहर है उनके अपना एक सैनिटरी डिपार्टमेंट है जो कि क्या करता है, इस चीज का ध्यान रखता है कि जो गंदगी वगैरह है वो ना फैले, जिससे लोगों में बीमारियां नहीं फैलती हैं। अ सेंचुरी अगो इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस इन मेनी सिटीज टू ब्रिंग वाटर बाय द बकेट फुल और हाउस होल्ड यूज। क्या किया जाता था कि पहले बाल्टियों में पानी भर के लाया जाता था घर के इस्तेमाल के लिए। वाटर हैड टू बी कैरिड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वेल टू द होम, और जो कुएं होते थे वो घरों से काफी फासले पे होते थे। इट वॉज देयर फॉर यूज वेरी सेपरेटली फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस, तो इसलिए इन्हें वॉशरूम में और दूसरी सफाई वगैरह में बहुत कुफायत शारी से इस्तेमाल किया जाता था, एहतियात से इस्तेमाल किया जाता था। ऑफन इट केम फ्रॉम द सोर्सेज दैट कंटेन डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स, और अक्सर तो ये उन जगहों से पानी हासिल किया जाता था जो आलूदा होते थे और जिनमें जरासीम पाए जाते हैं। टाउन्स एंड सिटीज टुडे हैव वाटर सिस्टम दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर इनफ फॉर हाउसहोल्ड यूज, अब जो शहर और कस्बे हैं वहां पे इस्तेमाल के लिए काफी पानी मौजूद है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन ग्रोथ ऑफ सिटीज हैज बीन टू प्रोवाइड सफिशियंट वाटर टू मीट द मेनी नीड्स ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब जो बढ़ते हुए शहर हैं उनमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि बढ़ती हुई आबादी को कैसे काफी पानी मुहैया किया जाए। लॉस एंजलस हैव सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी फ्रॉम द कोलोराडो रिवर 544 किलोमीटर अवे, अब ये एक शहर है जिसमें पानी की कमी थी, तो उन्होंने क्या किया, 544 किलोमीटर लंबा पानी का पाइप बिछाया जहां से फिर वो पानी लेकर उस शहर को प्रोवाइड करते हैं। कैरी थ्रू अ पाइपलाइन 1,000 mL of water are delivered to the district Delhi. This is a remarkable advance from the bucket system to applying water home. This water.
तो अब क्या है कि देखें कि ये एक बहुत जबरदस्त तब्दीली आई है कि पहले लोग बाल्टियों से पानी भर के घर लाते थे, लेकिन अब घर बैठे बैठे आपको साफ और काफी मिकदार में पानी मिल जाता है। और ये किस वजह से पॉसिबल हुआ है? सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड की वजह से। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।